Hello friends, hope all of you are doing great. I am Mamta Nagrath. I welcome you all on my channel where we discuss about various study programs in German-based public universities. आज के प्रोग्राम में मैं डिस्कस करने वाली हूँ एन इंग्लिश टॉट प्रोग्राम, ए मास्टर्स प्रोग्राम इन इंटरनेशनल बिजनेस एंड फाइनेंस कंडक्टेड बाय ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेस. ये यूनिवर्सिटी बवेरिया रीजन में लोकेटेड है जो कि साउदर्न जर्मनी में आता है. ये प्रोग्राम 3 सेमेस्टर का है और प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है. इंग्लिश टॉट प्रोग्राम है, इसमें कॉस्ट ऑफ फी 0 है और जो स्टूडेंट्स हैं वो उनको बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा ये प्रोग्राम, क्योंकि ये ग्लोबल प्रोग्राम है. प्रोग्राम का नाम है इंटरनेशनल बिजनेस एंड फाइनेंस, दैट इज मास्टर ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस एंड फाइनेंस कंडक्टेड बाय ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज फ्रॉम जर्मनी. ये प्रोग्राम 3 सेमेस्टर का है, इसकी लैंग्वेज रहेगी इंग्लिश टॉट और ये बिकॉज ये प्रोग्राम इंटरनेशनल फोकस है तो इसमें आपको 1 सेमेस्टर आउट ऑफ द 3 सेमेस्टर 1 सेमेस्टर विल बी कंडक्टेड इन दी यूनिवर्सिटी अब्रॉड. फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी का टाई अप है फ्रॉम वेरियस यूनिवर्सिटीज इन स्विट्जरलैंड, फिनलैंड, स्वीडन, यूके, इटली एंड फ्रांस. सभी जगह पे इंटरनेशनल 3rd सेमेस्टर होगा इंग्लिश में, मगर इटली में चॉइस है इटालियन लैंग्वेज और फ्रांस में फ्रेंच लैंग्वेज का ऑप्शन भी है. अदर देन दिस द स्टूडेंट्स विल गेट एक्सपोजर टू द इंटरनेशनल फील्ड ऑफ फाइनेंस एंड मैनेजमेंट. दे विल डेवलप द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड लीडरशिप क्वालिटीज बाय अटेंडिंग टू दिस कोर्स. कोर्स में जो फी रहेगी वो रहेगी 130 विच इज़ अ सेमिस्टर फी. और कॉस्ट ऑफ लिविंग नॉर्मली जर्मनी में रहने का जो होता है वो होता है 700 to 900 यूरो पर मंथ. जो बच्चे इस कोर्स में एडमिशन लेंगे उनको एक अपना कॉर्पस फंड जो जिसमें कि 1 साल की लिविंग दिखानी पड़ेगी वो भी बताना पड़ता है. अदर देन दिस जो रिक्वायरमेंट ऑफ द कोर्स है, आपके पास कम से कम बैचलर्स डिग्री इन मैनेजमेंट और बिजनेस और इकोनॉमिक्स और इन एनी अदर रिलेटेड फील्ड होनी चाहिए. इसके अलावा आपको IELTS और TOEFL एग्जाम भी लेना पड़ेगा. IELTS एकेडमिक ऑफ द लेवल ऑफ 7.0 आपका स्कोर जरूरी है टू प्रूव दैट यू हैव ए professional English qualifications. Other than this, this course is very good as far as the international students are concerned. When I have gone through the university website, they have clearly written that this course is increasing the number of participants every year. Reason being, the course is very nice and it has an international orientation with respect to the finance and international business. कोर्स का करिकुलम भी बहुत अच्छा है जिससे कि स्टूडेंट्स को बहुत अप्रोच स्टूडेंट्स को विद रिगार्ड टू देयर एम्प्लॉयबिलिटी बहुत ग्लोबल सिनेरियो में बहुत अच्छी रहेगी. सो आई थिंक ओवरऑल दिस इज़ अ वेरी गुड कोर्स फॉर द स्टूडेंट्स हु हैव डन देयर बैचलर्स इन मैनेजमेंट और इन बिजनेस और इन इकोनॉमिक्स और इन अदर रिलेटेड एरियाज एंड दे हैव अ कीन इंटरेस्ट इन फाइनेंस एंड द इंटरनेशनल बिजनेस. सो आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल टू यू. इन केस यू लाइक दिस वीडियो डू गिव अ थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल. इन केस यू हैव एनी क्वेरी डू राइट इन द कॉमेंट बॉक्स. लाइक इन अदर केसेज एज आई हैव बीन ऑलवेज गिविंग माई द डिटेल्स ऑफ द कोर्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. So I will be giving each and every detail in my description box. Do check my description box for
getting to know that how you will take admission in the university and everything. Thank you so much, and do subscribe my channel.